कमल का फूल आता है तो आपका विकास होता है, और नहीं आता है तो आपका नुकसान होता है, इसको आपको समझना होगा। इसलिए हम, अब आप बताइए, आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, और नजदीक नजदीक बैठे हैं। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति भी जो बाइडेन भाषण देता है तो ऐसे खोलता है, तब भाषण देता है, फिर लगा लेता है, देखा ना। यानी अमेरिका भी अभी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, यूरोप भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, अभी उनकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है। मोदी जी ने आपको 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन बना करके दी, और 219 करोड़ डबल डोज बूस्टर साथ में लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहना दिया, और आपके चेहरे से मास्क हटा दिया। यह परिस्थिति लाती थी, सही बटन दबने से क्या होता है। आज हम 100 देशों को वैक्सीन दे चुके हैं, 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे चुके हैं। यानी भारत अब लेने वाला नहीं, देने वाला हो गया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज ये जो मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड चिप जिसको बोलते हैं, ये दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया, दुनिया के दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर हो गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरर में हम दूसरे नंबर पर आकर खड़े हो गए, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, सौर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में हम 5वें स्थान पर आकर के खड़े हो गए। और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जो इसने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, उस देश को पछाड़ करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई भारत। और ये कोरोना के 2 साल के अंतराल के बावजूद हुए, सारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था आगे को बढ़ रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जा रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारी अर्थव्यवस्था बनने को बढ़ रही है। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।